गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन आवर पॉलिटिकल साइंस क्लास। वी आर डिस्कसिंग अबाउट अरस्तु एंड वी सा मैनी प्रिंसिपल्स, मैनी थ्योरीज अबाउट अरस्तु। यू अर्लियर सा प्लेटो एंड आई टोल्ड यू दैट पोलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट वॉज स्टार्टेड बाई सुकरात। सुकरात सबसे प्राचीन विचारक हुए हैं, उनके शिष्य थे प्लेटो, उनके शिष्य हैं अरस्तु। तो जो प्लेटो के बारे में हमने देखा था, उसमें भी हमने देखा कि प्लेटो ने काफ़ी सिद्धांत दिए हैं और काफ़ी डिटेल में दिए, लेकिन फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस प्लेटो को नहीं कहा जाता। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है अरस्तु। देखिए, सुकरात तो बिल्कुल ही नैतिकता की, सद्गुणों की बात करते थे, लेकिन जो प्लेटो हैं, प्लेटो ने अपने विचारों में आइडियल स्टेट की बात की, जस्टिस की बात की, एजुकेशन सिस्टम की बात की, कम्युनिज्म थ्योरी की बात की उन्होंने, लेकिन फिर भी प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक नहीं माना जाता। राजनीति विज्ञान का जो जनक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, वो माना जाता है अरस्तु को। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अरस्तु को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है? देखिए, उसके पीछे बेसिक कारण ये है कि आपने देखा कि प्लेटो जीवन भर एक आइडियल स्टेट की खोज करते रहे। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन इस चीज़ के लिए समर्पित कर दिया, और जब वो सिसली सिराक्यूज गए तो वहाँ से वो निराश होकर वापस लौटे और उन्होंने कहा कि मैं जो एक दार्शनिक राजा की खोज कर रहा था, वो लगता है इस धरती पे संभव नहीं है, वो किसी कल्पना लोक, किसी दूसरी दुनिया में ही संभव है। और उन्होंने जीवन के अंतिम समय में एक बुक लिखी जिसका नाम था लाच, जिसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, कानून की बात की। तो ऐसा लगता है कि जो अरस्तु है, अरस्तु का जो आइडियल, अरस्तु के लिए जो आइडियल बुक थी, वो रिपब्लिक ने होकर कौन सी बुक थी? लाज। क्योंकि लाज में उन्होंने कानून के शासन का समर्थन किया था। यदि हम ये देखते हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, उसके पीछे पहला कारण है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके पीछे उनकी अप्रोच बड़ी ही साइंटिफिक थी। सुकरात और प्लेटो दोनों ही राजनीति में नीति को, नैतिकता को डालते, तो उस वजह से क्या हुआ कि हमारा जो विषय है, विषय को एक सही रूप से एक विज्ञान का रूप दिया ही नहीं गया। लेकिन इन्होंने जब भी कोई ग्रंथ लिखा, जब भी कोई रचना लिखी, तो इन्होंने खुद ने साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट किए, वैज्ञानिक पद्धतियों का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, और वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा ही इन्होंने हमारे विषय को एक विज्ञान का रूप दिया। तो इनकी जो साइंटिफिक अप्रोच थी, इनकी जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, क्योंकि सबसे पहले जब इन्होंने पॉलिटिक्स रचना लिखी थी, तो ये माना जाता था कि उस जमाने में लगभग 158 संविधानों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ही वो पुस्तक लिखी थी। तो विषय के प्रति इनका दृष्टिकोण कैसा था? साइंटिफिक था। उसके बाद है राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना। सुकरात और प्लेटो दोनों राजनीति विज्ञान को एक नीति विज्ञान का सब्जेक्ट मानते हैं, एक नैतिकता पर आधारित सब्जेक्ट मानते हैं, एक सद्गुणों पर आधारित सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पहचान दी। उसके बाद है यथार्थवादी विचारक। देखिए, दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, एक तो होता है आइडियलिज्म, आदर्शवादी दृष्टिकोण,
और एक होता है फैक्चुअल यथार्थवादी दृष्टिकोण, रियलिस्टिक अप्रोच। तो जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो किसकी थी? अरस्तु की, क्योंकि प्लेटो को माना जाता है आदर्शवादी विचारक। वो कल्पना लोक में खोए रहते हैं, एक आदर्श लोक में खोए रहते हैं, लेकिन अरस्तु की जो अप्रोच थी वो कैसी थी? वो अप्रोच इस तरीके की थी कि वो अपने विषय के प्रति क्या करते थे, व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते थे। विषय के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा था? व्यवहारिक था। तो ये एक यथार्थवादी विचारक माने जाते हैं, रियलिस्टिक इनकी अप्रोच थी। उसके बाद है वैज्ञानिक पद्धति, आगमनात्मक एवं तुलनात्मक। इन्होंने जीवन में जिन पद्धतियों का प्रयोग किया वो कैसी थी? साइंटिफिक। उसमें दो प्रमुख पद्धतियाँ थी, एक तो आगमनात्मक। आगमनात्मक पद्धति वह पद्धति होती है जब हम आधार वाक्य से चलते हैं और बाद में हम क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। और तुलनात्मक का मतलब ये होता है कंपेरेटिव स्टडी। तो अरस्तु ने आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को भी अपनाया और कंपेरेटिव अध्ययन पद्धति को भी अपनाया। उसके बाद है राज्य के पूर्ण सिद्धांत को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना। देखिए, हमने जब अरस्तु शुरू किया था तब सबसे पहले उन्होंने राज्य का सिद्धांत दिया, राज्य के बारे में बताया कि राज्य क्या होता है, राज्य की कैसे उत्पत्ति हुई, राज्य की क्या आवश्यकता है, राज्य का क्या उद्देश्य है, राज्य के कौन कौन से कार्य हैं। तो उन्होंने राज्य के पूर्ण सिद्धांत को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। उसके बाद है सरकार के अंगों का निरूपण। देखिए, राज्य का जो मूर्त रूप है वो क्या होती है? सरकार। तो उस जमाने में उन्होंने सरकार के तीन अंगों की बात कही थी। उनके नामकरण हालांकि उन्होंने अलग दिए थे, पहला तो था नीति निर्धारक, दूसरा नाम दिया प्रशासकीय और तीसरा नाम दिया न्यायिक। नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक। और आगे चलकर हमने ये देखा कि इन्हीं का प्यूरिफाइड रूप ही सरकार के अंगों के रूप में हमें दिखाई देता है। उसके बाद है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि इनका जो आइडियल रचना इनके लिए थी वो प्लेटो की लाज थी, इसलिए इन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि किसके द्वारा शासन होना चाहिए? कानून के द्वारा शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और इन्होंने कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया है। उसके बाद अंतिम पॉइंट है राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना। इन्होंने उस जमाने में ये कहा था कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके लिए आर्थिक अधिकार, आर्थिक आधार भी होना जरूरी है। इन्होंने कहा कि जो लोगों के पास संपत्ति है, अब प्लेटो तो ये कहते हैं कि संपत्ति सारी की सारी क्या है? कलेक्टिव होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि संपत्ति तो व्यक्ति के पास हो, लेकिन उसका उपभोग कैसा करे वो सामूहिक रूप से करे। उसके पास व्यक्तिगत संपत्ति हो लेकिन उसका उपभोग कैसा होना चाहिए? सामूहिक होना चाहिए। तो इस तरह से राजनीतिक संस्थाओं को भी इन्होंने कौन सा आधार प्रदान किया था? आर्थिक आधार प्रदान किया था। और उस आर्थिक आधार में मुख्य रूप से यही है कि जो संपत्ति है, संपत्ति का प्रयोग व्यक्ति के पास हो लेकिन उसका उपभोग वो क्या है? पब्लिक वेलफेयर में, लोक कल्याण में, जन कल्याण में लगाए। व्यक्ति से उसकी निजी संपत्ति को छीना नहीं जाना चाहिए। यदि व्यक्ति से उसकी संपत्ति को छीन लिया जाएगा तो व्यक्ति को, राजा को, शासक को संपत्ति के मोल के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो राजा है, शासक है, व्यक्ति है, उसके पास निजी संपत्ति का अस्तित्व होना चाहिए। तो इन्होंने राजनीतिक संस्थाओं को कौन सा आधार प्रदान किया? आर्थिक आधार प्रदान किया। तो इन बिंदुओं के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो अरस्तु हैं, अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो राज्य के बारे में बताया, फिर उन्होंने अपनी साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बताया, फिर उन्होंने सरकार के बारे में बताया, फिर उन्होंने आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया।
तो नटशेल में हाँ, इसके अलावा उन्होंने यह जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो सारे सारे कैसे हैं, यथार्थवादी हैं, प्रैक्टिकल हैं, चाहे इनका शिक्षा सिद्धांत हो, चाहे इनका न्याय सिद्धांत हो, चाहे इनका संपत्ति का सिद्धांत हो, इन्होंने उस उन सिद्धांतों में प्रैक्टिकलिटी डालने की कोशिश की है। तो इस तरह से इन बिंदुओं के आधार पे हम अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक या राजनीति विज्ञान का पिता मान सकते हैं। तो ये आज हमने देखा है अरस्तू राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।